वेलकम डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी, ये फर्स्ट थ्योरी दी गई थी गैस स्टेट के लिए। गैस स्टेट किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं और किस तरह का बिहेवियर है गैस मॉलिक्यूल्स का, उसके लिए जो फर्स्ट थ्योरी दी गई थी दैट वॉज कॉल्ड एज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। इट वॉज गिवन बाई थ्री साइंटिस्ट्स ज्वाइंटली। द थ्री साइंटिस्ट देवर मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड क्लॉशियस। ठीक है, इन साइंटिस्ट ने दी थी। तो जल्दी से देखते हैं कि वट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी सिंपल। चार पांच पोस्टुलेट्स ये थे साइंटिस्ट ने कि गैस मॉलिक्यूल का बिहेवियर कैसा है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि ऑल गैसेज आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। अगर आप किसी भी कंटेनर में कोई गैस ले लेते हैं, बस इसी से समझ लेंगे हम सारा। ठीक है, तो क्या चीज़ है कि ये गैस, इट इज़ मेड अप ऑफ टाइनली पार्टिकल्स। किस चीज़ के पार्टिकल्स की बनी होगी, इन पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे, दीज पार्टिकल्स दीज आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। इज इट क्लियर? ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट है ये, गैस इज मेड अप ऑफ टाइनली स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूल्स। सेकेंड पोस्टुलेट क्या बोलता है, वॉल्यूम के बारे में बात करता है। क्या बोलता है कि वॉल्यूम विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय गैस, पूरी गैस जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी लार्ज, बहुत ही लार्ज है एज कम्पेयर टू द टोटल या एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब है इसका कि अगर मैं इन्हीं सभी मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर दूँ तो ये इतनी सी स्पेस में भी आ जाएंगे ऑल मॉलिक्यूल्स, लेकिन कितनी अगर इसको मैं एक्सपेंड कर दूं, छोड़ दूं हवा में खुला, तो इट विल ऑक्यूपाई द स्पेस। जो भी उसको डायरेक्शन मिले, जो भी उसको स्पेस मिले, वो ऑक्यूपाई कर लेगी। तो जो वॉल्यूम विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय द गैस, गैस तो बहुत बड़ी है क्योंकि मॉलिक्यूल्स दे आर वेरी वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो मॉलिक्यूल्स इतने दूर है, इसीलिए गैस की जो वॉल्यूम है इट इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। रिवर्स तरीके से हम क्या बोल सकते हैं इसको कि एक्चुअल वॉल्यूम विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, ये मान लो एक्चुअल वॉल्यूम है, तो एक्चुअल वॉल्यूम विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज़ वेरी वेरी लेस और इट इज़ नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द गैस इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है कि देर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। अगर आप ये गैस मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, देर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ना तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ, क्या फोर्स एग्जिस्ट करते हैं इन दोनों के बीच में, ये है इसका थर्ड पोस्टुलेट। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ आर गैस आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, मॉलिक्यूल कभी यहाँ पे प्रेजेंट है, कुछ टाइम बाद यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, कुछ टाइम बाद यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, कुछ टाइम बाद, तो ये कैसी मोशन है, इट इज़ कॉल्ड एज द ज़िगज़ैग मोशन। कैसी मोशन फॉलो करते हैं, इट इज़ द ज़िगज़ैग मोशन, एंड दिस ज़िगज़ैग मोशन विच इज़ फॉलोड बाय द गैस मॉलिक्यूल इट इज़ रैंडम मोशन। कहीं को मूव कर सकते हैं, जैसे कोई घूमने जाता है अपनी मर्जी से, जैसे यू कैन सी दैट इफ़ यू हैव अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कहीं भी मूव कर सकती है, सो इट मोशन इट इज़ रैंडम मोशन। तो मॉलिक्यूल्स की, गैस की मोशन कैसी है, रैंडम मोशन, ज़िगज़ैग मोशन। ड्यूरिंग देयर मोशन जब ये मूव करते हैं, द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर, आपस में भी कोलाइड करेंगे एंड ऑल्सो विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के साथ भी कोलाइड करेंगे। तो यू नो दैट जब ये मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये मूव करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते जाएंगे। ठीक है, और जिस भी कंटेनर को ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसकी वॉल के साथ भी ऑक्यूपाई करेंगे। लेकिन बहुत ध्यान रखना है कि एक पोस्टुलेट बताता है कि जितने भी कोलिजन्स हैं विद इन ईच मॉलिक्यूल्स एंड ऑल्सो विद द वॉल, ये कैसे कोलिजन्स हैं, दिस आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। कैसे कोलिजन है ये, इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन कौन से होते हैं, जहाँ पे एनर्जी इज सेव्ड एंड मोमेंटम इज ऑल्सो प्रिजर्व्ड, इट इज देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। तो सारे कोलिजन कैसे हैं, दे आर परफेक्टली इलास्टिक, द एनर्जी इज नॉट लॉस्ट,
बट इट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब है इसका कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी इनमें, लेकिन अगर कोई बहुत ही फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल है, इफ़ इट कोलाइड्स विद अ स्लो मॉलिक्यूल्स, तो क्या करेगा, अपनी एनर्जी किसी और मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन बी ओनली रीडिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और लास्ट पोस्टुलेट क्या होता है कि जो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अगर कोई गैस है किसी कंटेनर में, उसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से दे विल सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, ये नीचे नहीं बैठेंगे, दे विल कीप ऑन मूविंग इन द कंटेनर। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सो दीज वर द postulates of the kinetic theory of gases, very very important and very very brief। हम इनमें force of attraction की बात करते हैं, हम इनमें motion की बात करते हैं, हम इनमें type of collisions की बात में करते हैं, हम इनमें volume occupied by the gas की बात करते हैं, और हम क्या बोलते हैं कि energy and the momentum it is preserved so the collision they are perfectly elastic। ठीक है, तो दिस वॉज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज विच वॉज गिवन बाय मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड क्लॉसियस।